हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं चेल्हवा मछली का बेहतरीन चखना। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं क्योंकि हम इसे सिर्फ फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल ताज़ा चेल्हवा मछली है, इसे अच्छे से हम साफ करेंगे। इसे साफ करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप देख रहे हैं ईट पर इसे रगड़ के ऊपर का स्किन निकाला जा रहा है, फिर अंदर का जो वेस्ट पार्ट होता है उसे निकालेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है। इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें हम डालेंगे नहीं। सबसे पहले इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन। थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे इसमें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने में थोड़ा टाइम देना होगा ताकि मसाला जो अभी हमने डाला है सभी जगह अच्छे से मेट हो जाए। ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट ही मैरिनेट होने से इसमें टेस्ट और बढ़ जाएगा। कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। बस बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी आप इसे बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं तेल से धुआं देना स्टार्ट हो गया है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मछली डालेंगे। स्टार्टिंग में ही मछली को उलट पुलट कर देंगे। अब इसे धीमा आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे ताकि एक साइड से अच्छे से पक जाए। दस मिनट के आसपास हो गया है, एक साइड से पक गया है। अब इसे पलट लेते हैं दूसरे साइड पकने के लिए। ये दोनों साइड से रेडी हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप के ये फ्राई हुआ है। मसाला इसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसमें अलग से कोई मसाला हम डालेंगे नहीं। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे खाना स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल दाल के ऊपर भी खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।